देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दीमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 2016 मसीहा 8 नवंबर राति 8टा प्रधानमंत्रीको ए घोषणा को नै विरोध होइतिला, समालोचना करा जाइतिला। आज ए निष्पत्ति को 4 वर्ष पुरिछि। विमुद्रीकरण को समर्थन करथुबा लोकक दाबी थिला ए होची भारत रे कळा टंका उपरे सबुठ बड़ सर्जिकल स्ट्राइक। देशरे ओ देश बाहरे कळा टंकार कारबार उपरे रोक लगाइबाकु थिला एक बड़ ओ साहस भरा पदक्षेप। प्रधानमंत्री अतीतरे मध्य कहिसेंती ए निष्पत्ति पछरे थिला बड़ गवेषणा। आप ही की सरकार की आप ही की कमिटियों ने भी आपको सुझाया था। जब इंदिरा जी राज करती थी तब यशवंत राव जी चव्हाण ये विषय लेकर के उनके पास गए थे और तब जाकर के उन्होंने कहा था कि क्यों भाई कांग्रेस को चुनाव नहीं लड़ने का, आपको निर्णय गलत नहीं था, चुनाव का डर था, हमें चुनाव की चिंता नहीं है, देश की चिंता है, इसलिए हम निर्णय। और ये बात निश्चित है, कोई इनकार नहीं कर सकता है कि कोई भी व्यवस्था में कैश कितना चेक कितना एक कारोबार डेवलप हो चुका है और एक प्रकार से जीवन का हिस्सा बना है। जब तक आप उसको गहरी चोट नहीं लगाओगे तब तक स्थिति से बाहर नहीं आओगे और इसलिए हमने जो फैसले किए हैं आपने किस प्रकार से देख, आप ही की सरकार की आप ही की कमिटियों ने भी आपको सुझाया था। विमुद्रीकरण हला जे बहुत लोग गुप्त रीति से संचय करते सरकार को टिकस फांगुते अनुचित उपाय पैसा उपार्जन करते प्रोहिबिट करने सरकार गोटे पदक्षेप ने साहसिक पदक्षेप ने विमुद्रीकरण और GST विरुद्ध में जिते प्रकार कथ कह कौन सिस्टम परफेक्ट नुहे कि यादारा अनेक उपकार साथ कम से कम तो बैंक को बहुत पैसा फेरी आसी जहाँफल सरकार टिकस पाई एवं व्हाइट मनी रो फ्लो हो। केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ट्वीट कर विमुद्रीकरण किभली दुर्नीति रखा सहित डिजिटाल पेमेंट को बढ़ाई। से हीपरी प्रधानमंत्री मोदी 4 वर्ष तलर निष्पत्तिर फायदा कथा कहते तेज 4 वर्ष पर भी वर्तमान विमुद्रीकरण को प्रतिवाद करुछंती विरोधी। एक पारालाल इकोनोमी एक नष्ट इकोनोमी एक नष्ट अर्थनीति को एक दुर्बल अर्थनीति में परिणत करने मोदी सरकार दायी एवं तार सहायता दे जो माने से माने दायी एवं से सहायता दे राज्य मानक अर्थनैतिक स्थिति उपर यार कुप्रभाव पड़ू एवं साधारण भाव में छोट छोट व्यवसायी किंवा उभर को आरंभ कर अन्न मैंने क्षतिग्रस्त होते चारि वर्ष जो GST हेला बेले जो कि बारंबार जो उद्घोषण करा जाई छी जे एकक व्यवस्था द्वारा देश रे गोटे अर्थनैतिक स्थिति आहुरी सुदृढ़ हो ता हे परे ना। एबे आसंतु देखिबा विमुद्रीकरण रो 4 वर्ष परे कोन पाइछि भारत। डिजिटल पेमेंट मार्केट 55% बढ़िछि। 2020 मे मास रे ऑनलाइन रे सर्वाधिक ट्रांजेक्शन UPI जरिया रे 132.32 कोटी थरो ट्रांजेक्शन। 2016 परठारु 56 लक्ष रु अधिक नुआ करदाता जोड़ी होती। आयकर रिटर्न बढ़ी प्राय 5 लक्ष संदिग्ध नेणदेण कारबार धरा पड़ी। ATM कार्ड रो व्यवहार 57% कमी। 1 कोटी रु अधिक कर्मचारी EPF और ESIC सह जोड़ी हेले। अनियमितता अभियोग 460 रु अधिक व्यक्ति दंडित। वर्तमान कोरोना काल में कैशलेस ट्रांजेक्शन रो फायदा उठाउछि भारत। जेतेबेले टंकार सीधासळ कारबार कमिबा कोरोना संक्रमण रो विपद को कमाउछि। डिमोनिटाइजेशन परठु ऑनलाइन रे कारबार बढ़िछि। चासी ओ हिताधिकारी को अकाउंट रे सीधा पहुंचुछि अर्थ। टिकस फांकिबा कष्टकर होइछि। भुवनेश्वर रोशन रथंग रिपोर्ट अर्गस न्यूज।